हाय एवरीवन, आज हम आए इस कौन जो है कोरबा में। तो अभी फिलहाल हम जैसे एंटर हुए, बट हमें टाइम पता नहीं थी यहाँ की क्या है, तो इस वजह से हम अभी बाहर है। सो अभी फिलहाल बजे है 3 और हमें जाना है 4:30 को अंदर, तो इसलिए हम बाहर वेट कर रहे हैं। सो आज का वीडियो सब कुछ मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको, इस कौन में है क्या एक्चुअली, और हम जब एंटर करते हो आपको ऐसे सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर है इस्कॉन गिफ्ट जो आपको बहुत ही महंगे प्राइस पे मिलेंगे, और ये फर्स्ट व्यू है, आपको दिखेगा श्री कृष्णा कालियाना के ऊपर, ये बहुत ही प्यारा है। मैं इसकी फ्रंट साइड भी आपको दिखा दूंगी, फ्रंट व्यू ऑफ मंदिर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यारी मूर्ति है। हाँ, सो ये कालियानाग है, शेषनाग, सॉरी कालियानाग बोला मैंने। सब ने इसकी स्टोरी सुनी होगी। ये है इच्छाधारी नागिन जो रूप ले सकती है। हर तरफ गार्डन है और हम अभी स्कूल के थोड़ा सा नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पर लोगों का जाना मना है, दैट्स वाई अंदर जाके नहीं दिखा सकते। वो यहाँ पर स्कूल भी है, आप एंट्री करने के बाद अपने सीधा जाना होता है यहाँ पर अपने शूज सैंडल निकालने के लिए, और फिर यहाँ से ऊपर जाना होता है मंदिर के लिए। मैंने आपको पहले भी दिखाया था बट ये ओपन नहीं था तब, और अभी ओपन है। वृंदा देवी तुलसी महारानी मंदिर है और इसके पीछे ही स्कूल। यहाँ पर खेलने के लिए भी है और ये सामने मंदिर। यहाँ पर किताबें भी मिलती है पढ़ने के लिए, लाइक स्टोरी कृष्णा की भी है। यहाँ पर ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको देखने मिलेंगे और कुछ पंक्तियाँ। यहाँ पर दान स्वीकारा जाएगा। और ये रास्ता है यहाँ से बालाजी को जाने के लिए, ऊपर और एक टेम्पल है। यहाँ फिलहाल ऐसे कुछ फंक्शन शुरू है, लाइक श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाउत्सव 2022, बहुत सी तैयारियाँ शुरू हैं। बहुत सी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर और बहुत ही प्यारी और डेकोरेट किया है, बट इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। वेट कर रहे हैं कि 4:30 कब हो और ये ओपन कब हो, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4:30 को ओपन होता है। सो वी आर टायर्ड क्योंकि हम आई थिंक 3 बजे यहाँ 3 बजे यहाँ पर आए थे और तब से लेकर घूम ही रहे हैं। कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर शॉप्स है तो हमने वहाँ पर जाके देखा, वैसी कुछ है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कृष्ण जी के बचपन से लेके अब तक जो भी कुछ हमने स्टोरीज में फोटोज वीडियोज में देखा है। सो यहाँ पर हर वॉल पे उन्होंने वो लगाया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टार्ट है 1 से लाइक 10, 30, 40 के अराउंड बहुत सारे पिक्चर्स है। सो उसकी हर पिक्चर की एक स्टोरी है जो वहाँ पर है, वो हम देखने वाले। फर्स्ट पिक्चर इज दिस,
इसमें है कि बाल कृष्ण द्वारका माता यशोदा का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं मक्खन खाने के लिए। सो नेक्स्ट ये है कृष्ण द्वारा वानरों को मक्खन खिलाना हनुमान जी के साथ। ये इमेज है कृष्ण द्वारा अपने गोपसखों के साथ मक्खन चुराना, जो कि कृष्ण जी की खासियत थी मक्खन खाना और चोर के। ये और एक इमेज जो 5 नंबर की है उसमें है यशोदा माता द्वारा कृष्ण का श्रृंगार, इस मिरर इमेज। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इमेज। सो नेक्स्ट इमेज इज दिस, इसमें है कृष्ण का गोचरण के लिए प्रस्थान, जो कि गाय को चारा वगैरह खिलाने के लिए वो ले जा रहे ऐसा है। उसके बाद आती है ये इमेज, इसमें सो कृष्ण जी यहाँ पर अपने सखा गोपाल के साथ खेल रहे हैं ऐसा है। ये पोर्ट्रेट है। उसके बाद आता है ये जो है कृष्ण द्वारा अपने सखाओं के घर से लाए हुए विभिन्न पकवान का आस्वाद लेते हुए। तो अगली इमेज है 9 नंबर और ये है कृष्ण द्वारा पक्षियों से प्रेम का आदान प्रदान। क्योंकि हम सब जानते हैं कृष्ण जी बहुत से पीकॉक तो उनके सिर पे ही है, तो उनको बहुत सारे पक्षी पसंद थे। अगली इमेज ये है गोप सखाओं के संग कृष्ण बलराम का नृत्य। नेक्स्ट इमेज इज दिस, इसमें है राधा कृष्ण का मिलन। हर लव स्टोरी में, हर मूवी में एक लव स्टोरी तो होती है, सो यहाँ की लव स्टोरी ये है जो अभी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इमेज इज दिस विच इज राधा कृष्ण का नृत्य, मयूर नृत्य, जो कि आप सभी देख रहे हैं। और उसके बाद कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा की ये इमेज है, लाइक महाभारत की ये इमेज है। कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, ये बहुत ज़्यादा फेमस पोर्ट्रेट है यहाँ का। जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, ये मुझे समझ नहीं आया बट ये भी बहुत ही खूबसूरत इमेज है। तो अभी फ़िलहाल हमने 15 इमेज पूरी कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन हमें पूरी स्टोरी पता चल चुकी है। अगेन हम बहुत अच्छी स्टोरी जो फोटोज तो देखते हैं, पर ये हमारा नया एक्सपीरियंस इसी पिक्चर्स में पढ़कर देखना। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। और हम और देखने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये इमेज है माता सुनीति द्वारा अपने पुत्र ध्रुवोत को ये बताना कि लोगों से नाराज किंवा ईर्ष्या नहीं करना और भगवान की प्राप्ति करना, इसकी ये इमेज है। और ये है लास्ट इमेज जो है अपने पिता के गोद में बैठकर प्रयास करते हुए बाल ध्रुव को उनकी सौतेली माँ सुरुचि द्वारा तिरस्कार, ऐसी ये इमेज है। तो अभी फिलहाल मंदिर ओपन हो चुका है और थोड़ी सी इमेज बाकी है जो आपको सुनाई दे रहा होगा शंख की आवाज़, बट वी आर डूइंग दिस एंड उसके बाद हम अंदर जाएंगे। सो ये इमेज है नेक्स्ट, नारद मुनि द्वारा ध्रुव की परीक्षा और भगवान की प्राप्ति हेतु भक्ति योग का ज्ञान। अगली इमेज है ये सुरुचित की तस्वीर और सुनीता की भगवान प्रति शिक्षा के फलस्वरूप ध्रुवत महाराज का राजशाही महल त्याग करना और वन में जाना। तो ये इमेज है ध्रुवत के कठोर तपस्या एवं नारद मुनि द्वारा महाराज उत्पाद, जो कि ध्रुवत के पिताजी थे, उनको वो बता रहे थे कि ध्रुवत की तपस्या कैसी हो रही हो नारद मुनि को। ये इमेज है 5वें महीने में सांस रुककर एक पैर पे खड़े होकर ध्रुवत ने भगवान पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। ध्रुवत का सांस लेना बंद करने के कारण समस्त देवों को भी घुटन महसूस हुई, उसका अनुभव हुआ। तो उनका भगवान विष्णु को आवेदन था कि इसे बंद किया जाए।
ये इमेज है भगवान के दर्शन के वक्त ध्रुवत का, भगवान को दंडवत प्रणाम। और उसके बाद है ध्रुवत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु का गरुड़ के साथ मधुवन में आगमन होना। इमेज है ध्रुवत द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान द्वारा ध्रुवत को वरदान। अगली इमेज है अपने प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करने के लिए भक्ति संचार हेतु भगवान विष्णु का शंख द्वारा ध्रुवत को स्पर्श। सो ये इमेज है वन से वापस आने के बाद ध्रुवत उनके माता पिता और भाई से भावपूर्ण मिलन। और अगली ये इमेज है ध्रुवत के आगमन का समाचार सुनकर महाराज उत्तानपाल और रानियों का ध्रुवत के स्वागत हेतु आतुरता से भरा हुआ मिलन। इमेज देखते देखते और आपको स्टोरी बताते हैं, मुझे लग रहा है मैं पूरी धार्मिक बन चुकी हूँ आज। सो हम अगली पिक्चर देखने वाले हैं। सो ये इमेज है हाथी पर सवार होकर सुसज्ज नगर के प्रवेश द्वार पर नगरवासी द्वारा ध्रुवत महाराज का स्वागत। सो ये इमेज है ध्रुवत महाराज और उनका भगवान की भक्ति की प्रेरणा देने वाली उनकी माता सुनीति का वैकुंठ गमन। तो इस इमेज में दिखाया गया है प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो इस इमेज में प्रहलाद जी बहुत, आप सभी को जैसे पता है कि वो भक्ति विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। सो वो लोगों को भी यही बताते थे कि कैसा रहना है, भक्ति कैसे करनी है। सो ये उसकी इमेज है। दिस प्रहलाद जी और उनके जो स्कूल दोस्त थे उनके साथ परिणाम संग्रह। तो ये इमेज है जो प्रहलाद जी विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पिताजी नहीं। सो उन्होंने विष्णु का नाम लेते ही प्रहलाद जी को अपने गोद से फेंक दिया। इमेज है भयानक और राक्षस के द्वारा प्रहलाद जी को मारने का प्रयास अंधेरी गुफा में। ये इमेज है प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया स्नेक से। और बेसिकली कृष्ण के बहुत से रूप है तो प्रहलाद उनमें से एक है। तो ये है भयावह असुरों द्वारा। सो ये इमेज है प्रहलाद को उबलते हुए तेल में डाला गया था, उनको वह शीतल जल के समान प्रतीत हुआ। नेक्स्ट जंगली हाथी द्वारा प्रहलाद को कुचलने का असफल प्रयास। सो ये इमेज इससे पहले थी। सो ये है नरसिंह और भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप का युद्ध। सभी ने देखा होगा, लाइक ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि वो किसी भी चीज़ से नहीं मरेंगे, लाइक इंसान से, पानी से, कुछ भी ऐसा था वो बहुत बड़ा वरदान। बट ये नरसिंह जी ने अपने नाखूनों से उन्हें मारा। तो वो ये फेमस इमेज है। ये इमेज है भगवान नरसिंह द्वारा अनेक राक्षस सैनिकों का वध। नज़दीक से ज़्यादा दिखाती हूँ, लाइक जिसने भी ये बनाया है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और सुंदर है। जिस इसमें दिखाया गया है कि नरसिंह जी को बहुत गुस्सा आया है और उनको शांत करने के लिए बहुत से भगवान जी ने प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ। सो उन्होंने प्रहलाद जी को बुलाया। ये इमेज है प्रहलाद की प्रार्थना के बाद भगवान नरसिंह द्वारा उनको दिया गया आशीर्वाद। इसलिए तो नेक्स्ट इमेज इज दिस ब्रह्म जी प्रहलाद जी का मुकुट रख के राज्याभिषेक कर रहे हैं।
अभी फिलहाल पूरी इमेज हो चुके हैं, लाइक पूरी स्टोरी लगे वन एपिसोड की तरह मैंने बताया है लाइक किस इमेज में क्या हो रहा है। सो अभी हम अंदर जाने वाले हैं, लाइक हमारी मोम तो चली गई है, मैं ही बाहर हूँ, सो मैं भी अभी अंदर जा रही हूँ। अभी फिलहाल 4 बज चुके हैं, सो मंदिर ओपन है, बट जो मेन भगवान जी का है वो 4:30 को ही ओपन होगा। और यहाँ पर ऐसा अंदर बहुत कुछ है, लाइक आपको बहुत सारे कॉल्स मिलेंगे कृष्णा जी की, और पूरे वॉल्स पे कृष्णा जी की स्टोरीज के छोटे छोटे पिक्चर्स है, बहुत सारी फोटोज प्रिंट करके लगवाई गई है, और उसके ही नीचे ये किस टाइम की है किसकी है वो भी लिखा गया है। पूजा होने के बाद सभी को फ्लावर दिए जा रहे हैं जो कि कृष्णा जी की मूर्ति पे से उतारे गए हुए लाइक प्रसाद की तरह सभी को मिला है। मुझे भी ये फ्लावर मिला, ये हम मंदिर में रखने वाले हैं। अभी हमारा कृष्ण जी का दर्शन हो चुका है। यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है, बहुत ही बड़ा है। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। अभी कुछ फ्लावर्स भी मिले, लाइक वो प्रसाद की तरह देते हैं और वो हमें मंदिर में रखना पड़ता है। तो ये बालाजी का मंदिर है, लाइक यहाँ से आपको डायरेक्टली जाना पड़ता है यहाँ पर, और बाहर से भी आ सकते हो। उन्होंने बहुत सी लाइक अलग अलग जगहें बनाए हैं आने के लिए। अब यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और आपको यहाँ से भी जो कृष्णा का मंदिर है पूरा दिखेगा। अब हम अंदर जा रहे हैं। ऐसी मूर्तियाँ है, लाइक वहाँ पर था सत्य संघर्ष सो है ये अच्युत, और उसके बाद है ये अनिरुद्ध। सब पाषाण का मंदिर है और उसके बाद है वासुदेव। अभी हमारा बालाजी का भी दर्शन हो चुका है, और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक स्टॉल है जहाँ पर आपको बालाजी के लड्डू मिलेंगे, लाइक 60 रुपीज़ उनकी प्राइस है, और अंदर भी मंदिर के अंदर भी लाइक जब वो ओपन हो जाएगा तब भी वहाँ पर भी मिलेंगे, और दोनों भी नहीं होंगे तो आपको सीधा यहाँ से बाहर जाने के बाद जब आप एंट्री करते हो तब
वहाँ पर स्वीट की शॉप से वहाँ पर भी मिल जाता है। ये है बालाजी का लड्डू। ये महाप्रसाद मिलता है यहाँ पर। आपको यहाँ पर आने के लिए कातरत से बहुत से ऑटो मिल जाते हैं, और 10 या फिर 20 रुपीज में वो ले लेते हैं आपको। और यहाँ वहाँ पर जाने के लिए भी सेम कातरत तक, और उसके बाद आपका जो भी रूट है वहाँ से आपको PMT मिल जाती है या फिर ऑटो भी मिल जाते हैं। तो हमें जस्ट 20 रुपीज लगे यहाँ पर आने के लिए, और अब हमारा पूरा दर्शन हो चुका है। सो हम अब जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।